अबे यार नहीं भाई, दोनों को 1 HP था यार। A few moments later. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day, from society, restraints, money, clout, fame, legend seems to play, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every street, won't let the best of me, I know most are festering, negativity, it's a plague for the mentally weak, no mercy. Never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. Been chronic since I was a voice on the ironic and chaotic. Oh, I'm built to last with the webs I'm weak. A few moments later. Hello so guys, क्या हाल चाल? मेरा नाम मनपसंद, आप देख रहे हैं मनपसंद YouTube चैनल। तो गाइस यहाँ पे कैसे चल रही है आपकी सोलो में रैंक पुशिंग, मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो आज वाले गेम प्ले में आया था एक यूट्यूबर जो यहाँ पे उसके सब्सक्राइबर 2500 हैं और हम लोग की यहाँ पे 1v1 फाइट हुई। लेकिन यहाँ पे 1v1 फाइट आप लोगों ने क्लिप में तो देख ही लिया होगा ना, वो मज़ा तो जरूर आया होगा। देखो ये वाली वीडियो ना थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वाली वीडियो में यहाँ पे चिकन डिनर है और साथ में यहाँ पे 1v1 यूट्यूबर की फाइट है। तो ये वाला पूरा इन्जॉय करके जरूर जाना। अगर आप लोग को यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा ना, मेरे को यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बता देना क्या डाउट हो रहा है वाली वीडियो में। तो देखो यहाँ पे मैं उतरता हूँ इवेंट पे, मतलब इवेंट पे नहीं गाड़ी को उतरता हूँ क्योंकि इवेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दूर बना था। तो यहाँ पे गाड़ी को उतरने के बाद ना यहाँ पर मेरे को रास्ते में मिल जाता है एक बोर्ड जो यहाँ पे मेरा खाता खोल देता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ से रिकॉल लेने के लिए क्योंकि यहाँ पर रिकॉल लेना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जरूरी रहता है। इससे पहले अपन यहाँ पर मर गए ना तो अपन को दिक्कत देगा क्योंकि यहाँ पर 40 से नीचे माइनस तो लगने वाला नहीं है। तो हम लोग के यहाँ पे यूट्यूबर की फाइट ना बहुत ही गलत लेवल की फाइट हुई है। एक पहाड़ी पे यूट्यूबर की फाइट हुई लेकिन भाई वो वाला पहाड़ी से गिर पड़ा था ना, तो यहाँ पे मेरा मैच जीत गया था उधर। अब देखो मैं यहाँ जाता हूँ इवेंट पे, यहाँ पे रिकॉल तो ले लिया था लेकिन यहाँ से मेरे आंखों के सामने से ये वाला बंदा यहाँ पे किल चुरा के ले जाता है। इसका नाम मॉर्टल नाम का कुछ बंदा था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बंदा यहाँ पे कैसे बच के निकलता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक लोड करते रहता हूँ और उसमें वो यहाँ से निकल जाता है। अब आप लोग को पता है यहाँ पे AKM क्लोज फाइट कितनी अच्छी रहती है। लॉन्ग में यहाँ पे बढ़िया नहीं चलती लेकिन क्लोज में अच्छी चलती है। तो यहाँ पे मैं मतलब वो वाला बंदा यहाँ पे निकल के भाग जाता है। तो मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ से आगे की साइड को। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ यहाँ पे एक बंदा मिलता मेरे को और हम लोग की फाइट क्या होती। और यहाँ में जो मैं बाल बाल बचा हूँ ना, मैं आप लोग को क्या ही शेयर कर सकता, आप लोग क्लिप तो देख ही लिया। अब देखो वहाँ से निकलने के बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पर कोचिंग की मैं। अब यहाँ पे मेरे को एक जो कैंपर मिलने वाला है ना, वो देखने के बाद हैरान तो होने वाले हो। समय पहले यहाँ पर देखो बोर्ड मिलता है मेरे को। अब ये भाई साहब बोर्ड भी ना रियल से कम नहीं होते भाई, इतना डरा देते ना मेरे को, मैं खुद ही जानता हूँ। यहाँ पे मेरी फट के वहाँ पे 4 हो चुकी थी, इतना खतरनाक इस बंदे ने यहाँ पे फुट दिया था मेरे को। अब देखो यहाँ पे क्या, एक बंदा यहाँ पे कैम करके बैठा हुआ था। अब मेरे को अभी तक यहाँ पे पोजीशन नहीं पता थी बंदे की कहाँ कैम करके बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेरे को फुट आया ना तो मेरे को लगा पहले यहाँ पे सेक में है और यहाँ पे मैं सेक में पुश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आता सेक में है। फिर यहाँ पे मेरे को डाउट हो रहा है कि ऊपर साइड यहाँ पे घर में है। तो यहाँ पे मैं ऊपर नेट वगैरह ट्राई करता हूँ लेकिन बंदा वहाँ भी नहीं मिलता है। और बंदा मिलता कहाँ है वो आप लोग यहाँ पे खाली वीडियो में देख लेना। देखो समय पहले यहाँ पे आता हूँ मैं नीले वाले घर में, तो इसमें भी यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे मतलब बंदा नहीं मिलता है। तो यहाँ से मेरे को आगे पता चलता है कि बंदा ऊपर जाके कैंप करके बैठा हुआ है।
तो यहाँ पे मैं नेट डालता हूँ ऊपर साइड, लेकिन वहाँ भी बंदा, एक्चुअली बंदा नहीं था वहाँ पे। अब बंदा था किधर, मैं यहाँ पे ढूंढ के परेशान हो गया था। अब बंदा कहाँ बैठा है और कहाँ यहाँ इतनी खतरनाक कैंपिंग करके बैठा हुआ है। अब देखो आप, जैसे मैं इस वाले घर में आता हूँ ना, यहाँ पे बंदा मेरे को हल्का सा फूट देने वाला है, अभी मतलब फूटने में एक पैन क्लैप पीने वाला है। अब मेरे को यहाँ पे जैसे बंदे ने यहाँ पे पैन क्लैप पिया ना, तो यहाँ पे मेरे को डाउट हुआ कि बंदा ऊपर है, फिर अचानक से फूट आया मेरे को बंदा यहाँ पे नीचे है। अचानक से मतलब बंदा यहाँ पे शॉप पे कैंप करके बैठा हुआ था और मैं कहीं और देख रहा था। अगर ये वाला यहाँ पे हल्का सा पुश कर देना, यहाँ पे मेरी पेटी बन जाती। अब इस भाई साहब को मतलब इस नेट के लिए यहाँ पे एक लाइक तो जरूर बनता है। इस नेट ने जो यहाँ पे इस वाले बंदे को फिनिश किया ना, बहुत ही गलत लेवल का यहाँ पे फिनिश किया है। अब देखो यहाँ पे बीच की मैं पेटी लूट लेता हूँ फटाफट और निकलते हैं आगे की साइड को। निकलते हैं कि अभी और ही बंदे हैं यहाँ पे, और बंदे यहाँ पे मारते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ आगे साइड को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ना BIDM चाहिए थी। अब BIDM चाहिए तो यहाँ पे मैं मोजा वाला इवेंट है ना, इसको यहाँ पे अपन को कलेक्ट करना पड़ता है। अब 100 में से 99 बंदे को इवेंट वाला पता नहीं यहाँ पे कैसे अपन इसको मतलब इवेंट को कलेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इवेंट को समय पहले यहाँ पे कैसे कलेक्ट करते हैं, आप लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल चाहिए ना तो यहाँ पे मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। यहाँ पे मैं मतलब इसके लिए खाली यहाँ पे वीडियो पूरी बना के भेज दूंगा, मतलब यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे समय पहले यहाँ पे मैं इवेंट पे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा कॉइन मिल जाते हैं, कम से कम 60-70 यहाँ पे कॉइन मिल जाते हैं मेरे को इस इवेंट वाले मोजे से। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ से फ्लैट चलाने के लिए, तो यहाँ से मैं फटाफट यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ सारे यहाँ के मोजे और फिर चलते हैं आगे साइड अपन फ्लैट वगैरह लेने के लिए। क्योंकि आप लोग को पता ही है, अब तक यहाँ पे फ्लैट ना हो अपने पास तो गेम का अधूरा रहता है। अब मैं आता हूँ इसको देखो, अब यहाँ पे मैं कलेक्ट कैसे करता हूँ। समय पहले यहाँ पे देखो, मैं इसको कलेक्ट किया, यहाँ पे ये वाला बंदा हो चुका है, मतलब यहाँ पे मोजा को मैंने कलेक्ट कर दिया। अब मैं सेकंड वाला करता हूँ तो यहाँ पे नहीं होता है। अब फिर मैं फर्स्ट पे आता हूँ और फर्स्ट पे फिर कलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे थर्ड वाला करता हूँ वो भी नहीं होता है। फिर मैं फर्स्ट पे आता हूँ, इस पर दबाता हूँ और सीधा लास्ट वाला कलेक्ट कर लेता हूँ, तो जिसके कारण यहाँ पे वो मोजा इवेंट हो जाता है। आप लोगों को बता देना, यहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, मतलब इसी के लिए खाली बना दूंगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ना जैसे, तो यहाँ पे मैं चला देता हूँ फ्लेयर, क्योंकि यहाँ पे मैं 100 कॉइन जोड़ चुका था। अब यहाँ से जोड़ने के बाद ना यहाँ पे मेरे को पास ना एक दो बंदे निकलने वाले हैं, जो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ सीधे जोन के साइड को। अब जोन में जाने से पहले आप लोग को पता ही, यहाँ पे हिल बटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है करना। अगर आप लोग यहाँ पे हिल बटिंग नहीं करोगे ना, तो भाई जोन में बहुत ही मुश्किल रहता है कहीं पर मिल जाए अपन को हिल बटिंग करने के लिए। अब यहाँ से मैं हिल बटिंग कर लिया, अब मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ से जोन में। अब देखो यहाँ से जोन में जाने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे नदी में कूदता हूँ ना, मेरे साथ आंखों के सामने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा मोल ले लेता हूँ। अगर यहाँ से मैं ब्रिज से जाता ना, तो यहाँ पे 99% मर जाता, क्योंकि जोन कटा था उस साइड और मेरे को जाना था पानी के रास्ते से। तो यहाँ से मैं सीधा गाड़ी भेज देता हूँ अपनी पानी में। अब मैं पानी में बचता कैसे वो देखना खाली यहाँ पे। अब यहाँ से मैं जैसे ही आया ना, अब यहाँ पे आता हूँ और मेरे को ब्रिज से पड़ता है एक यूएमपीएन का स्प्रे। अब ये भाई साहब लगातार मेरे पे अब स्प्रे मारते रह रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को मरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि जोन भी यहाँ से पीछे से आ रहा था और जोन यहाँ पे जो डैमेज देता ना, बहुत ही यहाँ पे गलत लेवल का डैमेज देता है। अब यहाँ से मैं बाल बाल बचता कैसे हैं वो देखना खाली यहाँ पे। समय पहले यहाँ से निकलता हूँ मैं आगे की साइड को। अब यहाँ पे जैसे निकलता हूँ ना, तो वो वाला बंदा भी क्या है ना, जोन आ गया था, तो उसको भी निकलना था जोन में, तो वो भी निकल पड़ता है यहाँ से जोन में। अब मैं यहाँ से बचने के बाद ना, जो यहाँ पे मैं चढ़ता हूँ ना ऊपर साइड को, और तभी इतने सारे बंदे वहाँ मेरे मतलब मेरे आजू बाजू से निकलते हैं ना, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था उधर, क्योंकि ऊपर से एक मेरे पास यहाँ पे कॉल भी आ रहा था जो, तो उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था मैं। अब चिकन डिनर कैसे निकलता है अब वो देखने के बाद आप एक लाइक तो ज़रूर कर देना वीडियो के लिए, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो यहाँ पे देखो मैं आता हूँ ना, जैसे यहाँ पे एक हिल बैटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जोन बहुत ही डैमेज दे रहा था मेरे को। अब जोन तो कट चुका था आगे साइड को, मेरे को जाना था आगे को। अब मैं यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई हिल बैटिंग में ना कुछ काम नहीं होता अपना। अब मेरे को लग रहा था मेरा खेल इधर ही खत्म हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ पे मैं बाल बाल बच जाता हूँ और यहाँ पे मैं बचते हुए निकल लेता हूँ चिकन डिनर। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि अपने पास कुछ भी नहीं हो, लास्ट में जाके मतलब शुरू से आप मरते 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 बचे हो और लास्ट में अपन को जाके यहाँ पे चिकन डिनर मिल जाता, तो अपन को यहाँ पे कितनी खुशी होती है।
खुशी मतलब कि अपन शुरू से यहाँ से धक्के खाते 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 लास्ट तक पहुँचे और लास्ट में उनको मतलब उम्मीद छोड़ दी हूँ मैंने कि यहाँ पे मैं चिकन डिनर क्या यहाँ पे किल भी नहीं निकाल सकता हूँ। अगर उसी समय यहाँ पर अपन लोग को चिकन डिनर मिल जाता है ना तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर मेरे साथ हुआ था और इस वाले मैच में नहीं, तीन चार मैच में हुआ था मेरे साथ ऐसा। समय पहले यहाँ पर देखो मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये वाला बंदा मेरे पास चुल्ले कर देता है, चुल्ले कैसे यहाँ पर मेरी गाड़ी फोड़ देता है ये वाला बंदा। अब यहाँ से मैं फंस चुका था ओपन में, ओपन मतलब यहाँ पे पहाड़ी था और पहाड़ी में यहाँ पे ओपन ही समझता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कवर भी नहीं था। अब यहाँ से मैं बचता कैसे हूँ वो देखना, मेरे पास खाली एक ही चारा था जो यहाँ पे पुश था, मतलब मैं यहाँ पे पुश नहीं करता ना तो यहाँ पे मैं मतलब मर जाता बाल बाल। देखो यहाँ से जोन स्टार्ट हो चुका, अब यहाँ पे मैं जैसे ही खड़ा होता ना जोन मेरे खाली एक सेकंड दूर था और यहाँ से बाहर साइड में निकला तो मेरे को आप आगे साइड पड़ सकती थी। अब मेरे को यहाँ पे ओपन एक बंदा दिखता है तो यहाँ पे मैं स्प्रे लेने का वेट करता हूँ लेकिन भाई स्प्रे बेकार जाता है तो यहाँ पे मैं स्प्रे बिल्कुल भी नहीं लेता उस वाले बंदे पे। अब नीचे साइड यहाँ पे स्मोक हुआ था, अब स्मोक से यहाँ पे क्या करता हूँ मैं अपना कवर बना लेता हूँ, यहाँ पे एक नेट डाल देता हूँ उस बंदे पे और वो वाला बंदा यहाँ से निकलने की कोशिश करता ना और वैसे ही देखना यहाँ पे वो वाला बंदा कैसे मरने वाला है। अब बंदा यहाँ से निकला, निकलने के बाद देखो आगे साइड गया और आगे साइड जाने के बाद ना यहाँ पे क्या होता किल कोई और ले जाता है। अब यहाँ से मैं कैसे बाल बाल बचता हूँ वो देखो, खाली यहाँ पे खाली 10 HP क्या 5 HP यहाँ पे बचा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं बाल बाल बच जाता हूँ। तो गाइस इसके लिए एक लाइक तो जरूर कर देना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे पैंकला हीलिंग वगैरह मैं सब करके निकल पड़ता हूँ जोन के साइड, क्योंकि यहाँ पे जोन ना बहुत छोटा हो चुका था और सेकंड मेरे पास बहुत ही यहाँ पे कम थे। अब पहले तो मैं इस वाले बंदे के यहाँ पे स्प्रे लेता हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा काउंट किया हुआ है, इस वाले बंदे को मैंने यहाँ पे 5 MO मारा है और 5 MO में से यहाँ पे 5 ही 5 MO घली है और बंदा यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। अगर उसकी जगह पे मैं होता ना तो पक्का 99% वहाँ पे मर जाता। ऐसे आप लोगों के साथ ही कई बार हो चुका होगा, मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो यहाँ पे देखो मैं निकलता हूँ जैसे ही और यहाँ पे मेरे पड़ता है बहुत ही धनासुन युद्ध का फायर। अब यहाँ से मैं बाल बाल कैसे बचता हूँ वो देखना खाली। अब जैसे ही यहाँ पे मैं शेक में घुसता हूँ ना मेरे शरीर में यहाँ से जान में जाना थी क्योंकि हर जगह बंदा था और यहाँ पे मैं बाल बाल बच चुका था। अब देखो यहाँ पे मेरी फाइट होने वाली है एक यूट्यूबर से, 1v1 फाइट यूट्यूबर से होने वाली है तो इस वाले गेम में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। अब देखो यहाँ पे मैं बैठ गया, सामने यहाँ पे एक बंदा आया और उसको यहाँ पे बंदे ने फिनिश कर दिया इस वाले बंदे को जो यहाँ पे पहाड़ी पे कैंप कर रहा था ना पहाड़ी पे पहले से, उसने इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया है। अब यहाँ पे देखना हम लोग की फाइट कैसे होने वाली है। अब मैं देखो यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ था, अब वाला बंदा यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा, उसकी गलती नहीं भाई ऊपर से गिर गया था मतलब वो। समय पहले यहाँ पे मैं एक बंदे को फिनिश करूँगा इधर। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही फिनिश किया ना ऊपर वाला बंदा सीधा मेरे को यहाँ पे पुश कर देता है। और भाई साहब इस वाले बंदे को जो अपन ने मारा है ना इसके लिए यहाँ पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो भाई इस वाले बंदे को मारने के लिए मैं ना बहुत ही मज़ा आया है, जैसे यहाँ पे गिरा और अपन ने इसके यहाँ पे पेटी बना दी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से मैं स्मोक डालता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना हीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे मेरे को लूटना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी था। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ आराम से लूट और लूट करते करते ना मेरे को ध्यान आता है कि भाई सब जोन मेरे पास नहीं है तो यहाँ पर जाता हूँ मैं रेंगते आगे साइड को और मैं यहाँ पे बच जाता हूँ मारते मरते बाल बाल। क्यों बचता हूँ क्योंकि सामने यहाँ पे एक बंदा हुआ था, मतलब यहाँ पे 2 बंदे बचे हैं टोटल और 2 बंदों में से यहाँ पे ना जो लास्ट वाला बंदा है ना इसको ढूंढते ढूंढते मेरी यहाँ पे हालत ख़राब होने वाली है। देखो सामने साइड यहाँ पर बंदा आ जाता है, अब सामने साइड यहाँ बंदा तो आ चुका है, यहाँ पे मैं एक रैंडम ही नेट करता हूँ ट्राई लेकिन यहाँ पर रैंडम नेट कोई फायदा नहीं देता है।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली ये एक सामने बंदा था लेफ्ट में और एक यहाँ पे पानी के नीचे बंदा था। अब यहाँ पे मेरे को ना दोनों में से किसी एक बंदे को मारना था। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट रहा कि कोई नीचे यहाँ पे बंदा ना होते, यहाँ पे मेरे को मरने के कोई चांस हो सकते हैं। अब उतने में ये वाला बंदा यहाँ पे मेरे पे कर देता है पुश। अब पुश करने के बाद ना यहाँ पे मैं जो नेट पड़ते हैं ना मेरे ऊपर, भाई इकट्ठे तीन चार नेट डाल देता है ये वाला बंदा। और जुर्म से यहाँ पर मैं बाल बाल बचता हूँ ना, बहुत ही गलत लेवल का बचता हूँ। समय पहले यहाँ पर देखो मैं एक रैंड नेट डालता हूँ यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर नेट डाला ना, बंदा हल्का सा मेरे को यहाँ पे उठ के मतलब पीट के कवर में गया। अब यहाँ पर मैं दूसरा नेट फोड़ूंगा ना, अब कैसे फूटेगा वो देखना खाली यहाँ पर। बूम गाइस, इस वाले बंदे को मारने के बाद ना बहुत ही मेरे को हंसी आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस वाले मैच में ना दो ऐसे बंदे बचे हुए थे, मतलब मरे हैं नेट से बिल्कुल इसी तरह से दो बंदे। अब देखो यहाँ पे क्या होता, लास्ट वाला बंदा रह गया था। अब लास्ट वाले बंदे ने यहाँ पे मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भगाया हुआ था। अब भगाया क्यों था, ये वाला बंदा यहाँ पे एक्चुअली क्या होता, नीचे कैंप करके बैठा हुआ था। अब यहाँ पे मैं पहले टाइम देखता तो यहाँ पे नहीं दिखता मेरे को, जैसे ही मैं यहाँ पे घूम फिर के आया हूँ फुर्सत के साथ साथ यहाँ पे पूरे लास्ट जोन बन के, फिर दिखता है मेरे को यहाँ पे बंदा। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मॉली डाल देता हूँ यहाँ पे। मेरे को डाउट तो हुआ था कि बंदा नीचे है, लेकिन मेरे को कन्फर्म नहीं पता था। अब यहाँ से मैं जैसे नीचे आता ना, तो भाई साहब यहाँ पे कर रहे थे बंदा बहुत ही आराम आराम फरमा रहे थे। तो गाइस फाइनली गाइस अपने यहाँ पे चिकन डिनर हो चुका है। तो इस वाले मैच में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया मेरे को, आप लोग को आया कि नहीं आया मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो ना वीडियो पे एक लाइक और यहाँ पे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छी वीडियो, तब तक ले बाय बाय।